Assalamu alaikum, dear student. I am fine and hope you all are fine and safe. I am your teacher, Ms. Nisha. Today I will teach you Urdu. Now take out your Urdu books. Open page number 30. कल हमने जिस चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ रीड किया था, आज हम उस चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ रीड करेंगे. रीडिंग स्टार्ट करेंगे. सब अपनी अपनी फिंगर्स बुक पर रखें. वो शख्स चिड़िया की बातों में आ गया और उसे आज़ाद कर दिया. चिड़िया उड़कर इसके हाथ पर बैठ गई और बोली, पहली नसीहत ये है कि कभी भी कोई नामुमकिन बात कहे तो उस पर यकीन ना करो. फिर चिड़िया उड़कर दीवार पर जा बैठी और बोली, दूसरी नसीहत ये कि गुजरी हुई मुसीबत का गम ना करो और गुजरी हुई आसाइश पर खुशी का इजहार ना करो. बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पेट में एक ऐसा बड़ा कीमती मोती छुपा हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं है. तुम इस मोती को हासिल करके इतनी दौलत पाते कि तमाम उम्र ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे बच्चे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते. मगर क्योंकि ये बेमिसाल कीमती मोती तेरे मुकद्दर में ना था, इसीलिए तूने मुझे आज़ाद करके इसे खो दिया. आप सबको इस चैप्टर की और जो हमने तीनों पैराग्राफ रीड कर लिए हैं, इन सबकी रीडिंग, रिवीजन और डिक्टेशन करना है. और प्रीवियस दो पैराग्राफ जो हैं उनकी आप रीडिंग और डिक्टेशन वगैरह कर चुके हैं. इसी तरीके से थर्ड पैराग्राफ की भी आपको रीडिंग करनी है, इसका रिवीजन करना है और इसका डिक्टेशन करना है. ठीक है.